थैंक यू सो मच. कांग्रेचुलेशन. ट्रेलर बहुत ही अच्छा है और लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है. पहली मूवी से जब जितना कुछ अच्छा होता है जी, सारी तरफ से पॉजिटिविटी आती है, तो क्या फिल्म होती है एज एन एक्टर लैला मजनू? तो बताइए, देखिए लैला के बिना मजनू नहीं है. नाम भी पहले मेरा ही आता है, लैला मजनू. मैं ही शुरू करती हूँ. बहुत अच्छा लग रहा है. उतना उम्मीद नहीं की थी हमने कि इतना जल्दी इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि ऑडियंस इतनी जल्दी हमें एक्सेप्ट करेगी. क्योंकि लोगों को नॉर्मली काफ़ी टाइम लगता है न्यू कमर्स को एक्सेप्ट करने में, स्पेशली जब वो दोनों इंडस्ट्री से भी ना हो. तो जिस तरीके से ऑडियंस हमें एक्सेप्ट कर रही है, बहुत खुशी होती है कमेंट्स पढ़ के, और लोगों का प्यार मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है. बहुत दिन ऐसे होते हैं जब रातों को नींद नहीं आती कमेंट्स पढ़ के, जिस दिन ज़्यादा तारीफ हो जाती है. तो अच्छा लग रहा है, सब कुछ बहुत नया है हम दोनों के लिए. तो अभी ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ पर कैसे रिएक्ट करना है, पर शायद धीरे धीरे सीख जाएंगे. आई थिंक अब ऐसा लग रहा है कि मेहनत जो है, जो आप लोग का स्ट्रगल है, वो आप ये मेरे लिए भी, अब इन्होंने सारी बातें एक तरीके से कही थी. सारे लोग जितना प्यार दे रहे हैं, सच्चाई है कि उसकी उम्मीद नहीं थी हमें. हमें बस ये था कि हमने बड़ी मेहनत की है, बहुत शिद्दत से काम किया है, तो लोगों का थोड़ा अटेंशन मिल जाए हमें, कि हमारी तरफ भी मुड़ के देख लें. बाहर इतनी ज़ोर से आवाज़ हो रही है कि लगता है कि हमारी आवाज़ पहुँचती नहीं लोगों तक, लेकिन थैंकफुली वो हो रहा है. हमारी आवाज़ भी पहुँच रही है दूसरों तक, और उनका अटेंशन मिल रहा है, और अब धीरे धीरे प्यार भी मिलना शुरू हुआ है. आई होप बाय द फिल्म रिलीज हो और लोगों को फिल्म पसंद आए, तो शायद और प्यार मिलेगा. जी जी, तो चलिए बताइए लला जी, हाँ जी, आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ. देखिए, कैरेक्टर थोड़ा बिंदास टाइप का है. आज के ज़माने की लैला दिखाई है, तो आज के ज़माने की लड़कियों की क्वालिटीज है उसके अंदर. बहुत ही खुश मिजाज लड़की है, उसको मज़ा आता है अपने पीछे लड़के घुमाना. उसको पता है कि कश्मीर में बहुत फेमस है वो. उसको पता है कि कश्मीर में सब लोग उसे बहुत पसंद करते हैं, और उस बात की बहुत खुशी है उसको. ख्यालों की दुनिया में रहती है, फिल्मी है बहुत. उसको लगता है कि कोई एक उसके दिमाग में अपनी एक फिल्म चल रही है जिसकी वो लैला है. और बहुत ही किसी भी चीज़ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती लाइफ में. She believes in having fun पूरा टाइम. और इतनी बड़ी लव स्टोरी का हिस्सा है, पर उसको शायद प्यार का मतलब भी नहीं पता. उनमें से है जिसको सिर्फ ये जानना है कि कैसा होता है कि आपका कोई लवर हो, आप क्या बातें करते होगे उनसे, कैसी फीलिंग होती होगी, उस फीलिंग के लिए ज़्यादा एक्साइटेड रहती हैं, प्यार का मतलब नहीं जानती. तो उनमें से एक है बस. मुझे लगता है सर, कोई भी केस जिन जो ऐसी लैला से जिनका रूबरू हो जाए, उसके बाद उसका मजनू बनना लिखा हुआ है. और हाँ, आपने सुनी लिया, आपने देखी लिया, और ट्रेलर में तो आप जो झलक देख रहे हैं वो तो है ही. तो मेरे लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. जहाँ तक कैस का सवाल है, मजनू एक तमगा है जो कैस को दिया गया. मजनू प्यार में पागलपन को कहते हैं. कैस एक लड़का है जो बहुत ही ऑनेस्ट आदमी है, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत ही पॉजिटिव है. आई थिंक दैट इज़ वन थिंग दैट विल कम आउट वेरी स्ट्रांगली इन द फिल्म, द पॉजिटिविटी ऑफ दैट गाय. रईस बाप का बेटा है. हमारा जो कैस है वो गरीब नहीं है. जैसे आज तक जो कुछ वर्जन्स और अडेप्टेशंस मैंने पढ़े हैं, देखे तो नहीं है, लेकिन जो पढ़े उसमें हमेशा कैस गरीब घर से रहा है. इसमें ये रईस है. इसके खुद के कुछ एम्बिशंस, ड्रीम्स, सपने नहीं है उस तरीके से. और एक तलाश है, इज सीकिंग फॉर समथिंग, और कुछ हद तक वो पूरा हो जाता है जब उनकी मुलाकात लैला से होती है. उसके बाद जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं फिल्म के, जो एक लव स्टोरीज में होते हैं, वो होती है. उसके बाद से एक नया रूप निकल कर आता है उसके अंदर से, जो है मजनू का, जो आपको फिल्म में आकर देखने मिलेगा. टैगलाइन भी है, प्यार में पागल. जी, बताइए कि प्यार में कितना पागल हुए आपने भी, जैसा कि आज के जमाने की लैला है ना, आज के जमाने की लैला, इनका हर बार पहला प्यार हो जाता है. सही बात है, हर प्यार पहला प्यार. पर प्यार क्या होता है मुझे पता ही नहीं था. प्यार प्यार शायद हुआ ही नहीं है अभी तक जिंदगी में. हाँ, नहीं, प्यार प्यार नहीं हुआ, ऐसा प्यार नहीं हुआ जैसा मजनू को लैला से था और लैला को मजनू से था. ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ, तो
पर बाकी अब सारे राज थोड़ी ना खोल सकते। मुझे कई दफा प्यार हुआ, कई बार दिल टूटा है, जैसे आई एम श्योर आपका भी टूटा है। आपकी जो आंखों में ये इस सवाल के लिए जो बेचैनी थी ना, वो देखकर ही मुझे समझ में आ गया कि आप भी उन्हीं में से हैं। सो हाँ, तो प्यार से ज्यादा अब टूटे हुए दिल को संभाल रहा हूँ मैं। दुनिया ने रोक कर रखा है मुझे पागल होने से, वरना मैं भी मजनू बना फिर रहा होता। लेकिन हाँ, मोहब्बत भी हुई और दिल भी टूटा है। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर YouTube चैनल एंड डाउनलोड आर Android ऐप मूवी 9 PM।